चलिए सीधे चलते हैं जहां पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। के प्रति जागरूकता फैला रही तीलू रतौली पुरस्कार संस्था प्राप्त संस्था आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सहकारिता बहन आशा कोठारी जी को और पूरी संस्था को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह खुशी की बात है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि के साथ ही जो ये संस्था है, इस संस्था ने अनेकों और भी काम समाज में किए हैं। भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न सहित अन्य मुद्दों के खिलाफ अनेक कार्यक्रम, रैलियां और संगोष्ठियां करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। संस्था द्वारा किए जा रहे ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं संस्था को और पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का जो ये विषय है, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर हमारे छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और भविष्य के कर्णधारों के लिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि लत, नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी को कहीं ना कहीं साथ आना होगा, सभी को काम करना होगा। जहाँ हमारे माता पिता, हमारे संस्थानों में हमारे शिक्षकगण, समाज के प्रबुद्ध वर्ग और हमारे प्यारे विद्यार्थी, जब तक इसको पूरी तरह से जन जन का अभियान नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूं तब तक हमारा ये संकल्प अपनी सिद्धि तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं देहरादून के अंदर हमारे बहुत सारे संस्थान चलते हैं, बहुत सारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, बहुत सारे व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान हैं। इन सभी संस्थानों में, इसके आसपास किसी न किसी रूप में आज तमाम प्रकार से ये जाल बिछाने का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है, उसको रोकने के भरसक प्रयास हो रहे हैं। हर तरीके से आज पुलिस भी काम कर रही है, एनकोर्ट की टीम भी काम कर रही है और हमने इसके लिए बहुत सारे अन्य जो प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को भी किया है। लेकिन उन प्रयासों को भी तभी सफलता प्राप्त होगी जब आप सब भी उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि एक बार अगर कोई नशे की लत में आ जाता है तो उसको छुड़ाना फिर बहुत मुश्किल काम होता है। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमको पता ही नहीं लगता है, हम मजाक मजाक में कई बार नशे की लत में चले जाते हैं, करते करते खेल खेल में हम ये भूल जाते हैं कि धीरे धीरे चढ़ने वाला जहर हमारे अंदर आ रहा है और स्थिति तब बहुत खराब हो जाती है। और जो जो भी व्यक्ति इसके लत में आता है उसको उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन आसपास के लोग जब देखते हैं तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी होती है। उसको उस दुनिया से लाना कितना मुश्किल होता है, जहां उसके लिए स्वयं के लिए तो बहुत मुश्किल होता ही है। आप सोचिए कि उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके लिए कितनी खराब स्थिति हो जाती है जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को यहां पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भेजते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भेजते हैं या आगे चलकर भविष्य में तमाम सेवाओं को देने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए यहां भेजते हैं और वो भेजते किसी काम के लिए हैं, चला कहीं और जाता है। उन माता पिता की क्या स्थिति होती होगी? आप ये सोचिए कि आप कोई भी खराब काम करते हैं तो आपको उसका एहसास तब होगा जब आप ये एहसास करेंगे, ये महसूस करेंगे कि मेरे कोई भी खराब काम करने से मेरे माता पिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमारा लालन पालन किया है, अपनी खुशियों को, अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए, अपने मन की इच्छाओं को समाप्त करते हुए
उन्होंने आप सबको संपूर्ण सुविधा देने का काम किया है, अच्छी शिक्षा देने का काम किया है, अच्छे कपड़े, अच्छा आपको खाना, अच्छी जगह शिक्षा के लिए भेजने का काम किया है, अच्छी फीस देने के लिए उन्होंने अपने सारे जो जरूरत की चीजें होती हैं उनको भी समाप्त कर लिया है। तब जाकर जो है आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, आपको संस्थानों में अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छे संस्थानों में आप पढ़ रहे हैं, अच्छे कोर्स कर पा रहे हैं, अच्छी डिग्रियां ले पा रहे हैं। अगर जब हम इस बात का एहसास कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि हम किसी भी गलत काम में नहीं जाएंगे। और कई बार जब आपके सामने कोई बात आती है, कोई कहता है कि थोड़ा सा ये कर लीजिए, थोड़ा इसको टेस्ट कर लीजिए, तो आपके अंदर बिल्कुल इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए। बोलेंगे ना कहेंगे ना, अगर कोई खराब काम कहेगा तो क्या कहोगे उसको? अरे भाई जोर से बोलिए आप लोग, ना कहेंगे ना जोर से। और कोई हमको आसपास ऐसा दिखे कि जिसकी स्थितियां, जिसके हाव भाव कुछ असामान्य हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी देनी है। समाज के लोगों को जागरूक करने का काम भी हमने करना है। जब हम ये काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम देवभूमि को इस नशे से मुक्त करेंगे, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि सारे परिवार और समूचे समाज और परिवेश को खोखला कर देता है, इतना नुकसान कर देता है। नशे के कारोबार से जो जुड़े हुए लोग हैं, न केवल कानून बल्कि समाज के भी वो दुश्मन है। वो समाज को खोखला करने का काम निरंतरता से कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। इनके ऊपर जितनी कड़ाई हो सकती है उतनी कड़ाई हम सबको करनी चाहिए। सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, लेकिन हम सबको भी करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 2025 तक हमने देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि करने का लक्ष्य लिया है। इसके लिए सरकार द्वारा हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जय। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन के कार्यक्रम से सुन रहे थे। किस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया है कि ड्रग्स फ्री 2025 तक देवभूमि को बनाना है और इसी तरीके से प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य को मुख्यमंत्री पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।